हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बार सावन में पूर्णिमा कब कब पड़ेगी, रक्षाबंधन किस पूर्णिमा को मनाया जाएगा, भद्रा का समय, राखी बांधने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, राखी बांधने के लिए बहनों को कितना समय मिलेगा और साथ ही जानेंगे भाई बहन को इस दिन क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस बार सावन दो महीने का है और सावन में दो पूर्णिमा पड़ेंगी, जिस कारण राखी को लेकर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं इस बार सावन में पूर्णिमा कब कब पड़ेगी, रक्षाबंधन किस पूर्णिमा को मनाया जाएगा, भद्रा का समय, राखी बांधने के लिए बहनों को कितना समय मिलेगा, भाई बहन को इस दिन क्या करना चाहिए और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जान लेते हैं सावन पूर्णिमा कब कब पड़ेगी। दोस्तों, सावन की पहली पूर्णिमा तिथि अधिक मास में पड़ेगी, यह सावन अधिक पूर्णिमा होगी। सावन अधिक पूर्णिमा 1 अगस्त मंगलवार को है। पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त के दिन मंगलवार की सुबह 3:51 से लेकर देर रात 12:01 तक रहेगी। वहीं सावन की दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त दिन बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से लेकर 31 अगस्त गुरुवार की सुबह 7:05 तक रहेगी। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा व्रत 30 अगस्त को होगा और स्नान दान 31 अगस्त को किया जाएगा। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन का पर्व दूसरी सावन पूर्णिमा के दिन यानी 30 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, 30 अगस्त के दिन भर भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन इस बार भी दो दिन यानी 30 अगस्त बुधवार और 31 अगस्त गुरुवार को होगा। आइए जान लेते हैं भद्रा कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, साल 2023 में 30 अगस्त को सुबह पूर्णिमा के लगते ही 10:59 से भद्रा भी शुरू हो रही है। वहीं भद्रा का समापन 30 अगस्त की रात 9:02 पर होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भद्रा के समय भाई की कलाई पर राखी न बांधें। अब जान लेते हैं राखी बांधने के लिए कितना समय मिलेगा। दोस्तों, 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:01 से प्रारंभ होगा और वहीं 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक ही रहेगा। आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन भाई बहन क्या करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन दोनों को मिलकर अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई की कलाई पर लाल या पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, इस दिन भाई बहन को मिलकर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को लाल या फिर गुलाबी रंग की राखी चढ़ाने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।